भाई आज मेरे ख्याल में सारा मामला है जो आपके चंदू की लाइसेंस का मामला है, जो पंडों का मामला है, उन सबको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हमारी कोशिश यह है कि जो हेल्थ के मामले में आते हैं, जिनको बीमारियां हैं, जिनको बीमारी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उनको भी एक दफा अलग करने का, ऐसे करके पांच हिस्सों में इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि अगर ये किया तो शायद हम लोगों को काम पूरा करने में आराम हो जाए। वैसे इतनी जोरदार संख्या वहां आई है, कुछ लोग अंदर बैठे हैं, कुछ लोग शायद हो सकता है कि अंदर नहीं आ पाए। एक दफा चेक कर लो उनके कोई ऐसा ना हो जिसके कागज पड़े हो और जो अंदर नहीं आ पाए, तो उन लोगों से जगह है, तो एक दफा बाहर जाके उनके सबके कागज अपन ले हैं और उनकी भी रजिस्ट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक अपने ऑफिसर्स वहां बैठे हुए हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। परंतु ये काम अगर हम लोगों ने बराबर साथ साथ ये किया होता तो शायद अपने को ये किसी देखने को नहीं मिलती। आज आप लोग सबने मेहनत की और मेहनत करके उनकी सुनवाई करने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छा अच्छी शुरुआत है। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जिन जिन लोगों को गांव में जाने की जरूरत है, जैसे पटवारी है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, BDOs है, कृषि पर्यवेक्षक है, वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने गांव में चले जाएंगे। जो लीड डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली है, पानी है, जो आपके सड़क के हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। और अगर ऊपर से SDM, ADM, कलेक्टर, ये उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, SP अपने SHO, अपने CIs और अपने नीचे के जो अफसर है उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, तो मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे जो प्रॉब्लम आज जनता की है, मैं उस चीज को तब मानूंगी जब मेरी जन सुनवाई होगी, जिस जन सुनवाई के अंदर कम से कम लोग अपने कागज लेके आएंगे। क्योंकि तो इसका मतलब यह होगा कि नीचे के क्षेत्र के अंदर ही आप लोगों ने उतनी सुलझा दिया है, आज सुलझा नहीं है, इसकी इतनी संख्या में लोग यहां आए। मैं आपको ये धैर्य की बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये काम, और आप लोग मेरे को भी कहोगे कि मुख्यमंत्री तक आ गया क्षेत्र के अंदर, आज कोई चुनाव तो है नहीं, पर मैंने इसलिए आप लोगों ने मंत्रिमंडल ने इस हमसे तय किया है कि सब जयपुर को छोड़ के आला ऑफिसर भी हो, हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, आपकी बात को सुनेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। समय लग सकता है क्योंकि लोगों को आदत नहीं है, परंतु इस समय में हम लोग जितना धक्का दे सकते हैं उतना धक्का देने की कोशिश करके, यह विश्वास आपको दिलाना चाहूंगी मैं कि कुछ ही दिनों के अंदर यह रवैया अच्छा बैठ जाएगा, फिर आपको ये परिश्रम और चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ कुछ काम ऐसे हैं जैसे स्कूटर्स कुछ आ सकते थे, सब तो आ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ स्कूटर्स को हम लोगों ने यहाँ दिलवा दिया, कुछ स्कूटर्स अभी कलेक्टिव नहीं है तो वहां कलेक्टर बुला के उनको भी अपने अपने लोगों को हवाले कर देंगे। ऐसे भामाशाह की कार्ड की योजना आपके जो आप लोग पंचायतों के अंदर शायद 1 तारीख से चालू हो जाएगा। आपसे प्लीज मेरा निवेदन है कि महिलाएं प्लीज जाए, फैमिली कार्ड बनाने वाले जो लोग हैं वो जाए और जाके अपने कार्ड को बनाने का काम करें। इस कार्ड के द्वारा सब कुछ अपने को आगे चल के मिलेगा। मैं तो ये तक चाह रही हूँ कि इसके अंदर अपने पेंशन के पैसे हो, अपने जननी सुरक्षा के पैसे हो, जो भी सरकारी पैसे होते हैं वो डायरेक्ट बैंक में चले जाए। कुछ कुछ महिलाओं ने मेरे को कहीं पूछा कि सर हमें तो बैंक ही नहीं है, तो हमारे कार्ड देने से क्या मतलब। मैंने कहा बैंक आपके पास आएगा, वो हाथ में रखा हुआ बैंक है, वो अपने पास आएगा, उसके साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। महिलाओं के कार्ड आप लोग बनाइए। मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि फैमिली कार्ड आपको मिल जाता है तो बहुत सारी सुविधाएं उसके साथ, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, 30,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है। और जो अभी हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस निकाली है उसमें 30,000 से लेकर सीरियस बीमारी के लिए 3 लाख तक 70% हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को हम लोगों ने कवर कर दिया है। और मैं समझती हूँ कि वो भी कार्ड के ऊपर आपको मिलेगा, तो वो फैमिली कार्ड मिलता है, वो फैमिली कार्ड आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए जब
ये कैंप चलेंगे उसमें जरूर जाके अपना काम करवाइए। और एमएलए साहिबान, एमपी साहिबान, इनको सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब ये कैंप हो रहे हैं खुद जाके खड़े हो जाओगे तो उसका भी फायदा होगा, आपको भी होगा। एक तो ये है, दूसरा आवास डीसी के जो लोग यहां हैं उनसे जो व्यक्ति थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट करके एक महीने का थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके और नौकरी के लिए अपना करना चाहते हैं तो प्लीज आरएस एलडीसी के लोगों से मुलाकात कर लीजिए। मेरा आरएस एलडीसी के लोगों को ये कहना है कि मेरे जाने के बाद इस मंच पे खड़े होके थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बता दीजिए कि आजीविका स्किल मिशन है राजस्थान के अंदर पूरे देश का सबसे पहला आजीविका मिशन का एक कमरा यहाँ खुला है उदयपुर के अंदर और ये करीबन 200 हमारे पूरे राजस्थान के अंदर होंगे, उसमें से बच्चे जो निकल के आते हैं उनको नौकरी ज्यादातर गारंटीड है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत कम हो गई है, थोड़े थोड़े से तो आएंगे जाएंगे परंतु इस संख्या में नहीं, 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम हमें करना है। तो आरएसएलडीसी से भी थोड़ी सी बात आप लोग कर लीजिए। मैं अभी उदयपुर के अंदर होके आई तो मैंने देखा कितना अच्छा काम हुआ और कितने सेटिस्फाइड जो बच्चे हैं। शुरुआत थोड़ा सा इधर से आप इधर आने का करिए तो सरकारी नौकरी में तो कुछ होगा ही होगा, कुछ आपके आरएसएलडीसी के द्वारा प्राइवेट का वो होगा। और तीसरा मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने पैर पे खड़े होकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर लेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। टामटिया गांव के अंदर मैंने कल बहुत अच्छा एक लैंप्स की दुकान देखी थी, जो लैंप्स पैक्स और पेपर शॉप में अपने राशन की दुकान को एक करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां थी तो वहां एक सहकारी की दुकान भी थी जिसके अंदर आपको बहुत सब कुछ सामान जो गांव के लोग चाहते हैं वो मिलता था और बहुत अच्छी दुकान थी, साफ सुथरी और अच्छी। एक वो थी उसके साथ साथ बैंक था जिसमें मनरेगा के पेमेंट्स और दूसरे पेमेंट्स आपको आराम से मिल सकते थे, उसके साथ साथ आपके राशन की दुकान थी वो भी साफ सुथरी और राशन तैयार था सब देने के लिए। उसके पास था सीमेंट का एक गोदाम जिसमें से सीमेंट की जरूरत होती थी तो वो मिलता था। उसके पास था बीज का एक गोदाम जिसके अंदर अच्छे बीज रखे हुए थे, बीज का भी इंतजाम हो सकता था। उसके पास में रखा हुआ था खाद, खाद का भी इंतजाम था तो जो आके उसको ले जाना चाहता था वो भी ले जा सकता था। और उसके पास था एक बंद गोदाम जिसके अंदर इनमें से कुछ भी सामान जो बंद रखने की जरूरत थी क्योंकि उस पर जगह नहीं थी वो उसमें रखे उसमें ताला लग सकता, इतना अच्छा था। और मैं चाह रही हूँ कि राजस्थान के अंदर हमारी 27,000 ऐसी दुकानें खाली क्या कहते हैं फेयर प्राइस राशन की दुकानें, उसके साथ साथ अगर हम लैंप्स और फैक्स को भी छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था गाँव के अंदर बन सकती है। इसको करने का ये हमारा चौथा काम इसको हम करने जा रहे हैं। साथ साथ में आपके बिजली पानी और सड़क इसके ऊपर भी बड़ा काम, 20,000 किलोमीटर हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। अब आप पूछोगे सरकार में पैसा कहां से आ रहा है तो वो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, कहीं से भी लाके हम लोगों को काम करवा रहे हैं वो काम हम करवा लेंगे। मैंने सबसे कह दिया कि जब इतने बड़े बड़े काम अपन करने जाने वाले हैं, बिजली का भी इंतजाम वगैरह अपन करने वाले हैं तो ये फ्री में तो होता नहीं है भाई, एक नई तरीके से एक नए सिरे से हमने आप लोगों के बीच में बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। और मैंने जब स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हम लोग गए थे तो मैंने आप लोग सबसे कहा था कि मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अपने प्रदेश को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो हर एक आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। यही चीज मोदी जी ने भी बार बार कहा, उन्होंने अपने 15 अगस्त के भाषण में और मेरे मैंने भी कहा कि आप लोगों को ये वाद बोलना है जातिवाद मजहबवाद, मुझे चलते ही है उसको नहीं दो, मेरे को दो उसको नहीं दो, ये अपना जो अपना संभाववाद ये सब चीजों को अपने को छोड़ना, राजस्थान को पहले रख के अगर अपन सब लोग काम करते हैं तो आप सबकी भलाई होगी। अगर इन बातों में अपन बढ़ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि किसी का काम नहीं होने वाला है। अगर झगड़े कर देते हो, धरने फसाद कर देते हो, हल्ला मचा देते हो तो तुम्हारा भी काम नहीं होगा, प्रदेश का भी काम नहीं होगा, सब लोग दुखी के दुखी बैठेंगे। हमने तय किया है कि और इसीलिए आप देख रहे हो कि 24 घंटे हम लोग एक कर करके सब मंत्री सब अधिकारी दौड़ दौड़ के आपके पास आ भी रहे हैं, काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे हाथ में जादू नहीं है कि आज आ गए और कल वो हो गया। कहीं कहीं मैंने सुना सरकार होके गई है क्या हो गया,
मुख्यमंत्री होके गए, यहाँ क्या हो गया? मैं आपको कहना चाहती हूँ क्या हो गया, जो पहिए बिल्कुल रुक चुके थे वो पहिए फिर से चलने लगे हैं। कई लोगों ने मेरे से आपने कहा कि साहब छह महीने में आते जाना आप, तो ये क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे सड़कों की सफाई हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा फर्क दिखने लगा, इसलिए छह महीने में अगर आप आते हो तो ये काम हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि हमें आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर आपका चलना चाहिए। ये पहिए चालू कर दिए हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ घाटोल पंचायत समिति के कौन अध्यक्ष हैं भैया? अब जो भी है मैं यहाँ कहना चाहती हूँ एमपी साहब, एमएलए साहब, ऐसी गंदगी अगली बार हमको देखना नहीं। अब मैं आप सबको कह रही हूँ जो भी घाटोल वासी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने दुकान के सामने अपन सफाई नहीं कर सकते क्या? अपने घर के बाहर अपन अपनी सफाई नहीं कर सकते क्या? जो अपने गांव में आके देखता है गंदगी ऐसी पड़ी हुई तो सोचता है कि हाँ कहाँ आ गए, इसका तो काम ही नहीं करना है। तो आप अपना थोड़ा काम करिए, दुकानदार अपना थोड़ा काम करिए, ताकि झाड़ू अपने घर में लगा के बाहर फेंक दिया किसी दूसरे के घर के सामने, क्या मतलब ये? टैक्स की बात चलिए, अभी पैसे नहीं है तो टैक्स की तो जरूरत होगी। मैंने सबको कहा कि मुसीबत तो होगी, थोड़ी होगी, हमको सबको थोड़ा मदद करने की जरूरत है। टैक्स भी बोलेंगे तो इनसे कह दिया कि भाई टैक्स देना है, जो बोलते साहब मुझे नहीं भैया, उससे बोलो, उससे क्या होता बोलता है मेरे को नहीं साहब, उसको दो, देना तो सबको है। और मैंने कहा कि दो साल ठीक है, हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दो साल हमको कमर कसनी पड़ेगी, परंतु तीसरे चौथे और पांचवें साल में हम आराम ला सकते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे बच्चों को नौकरी दिलवा सकते हैं, हमारे प्रदेश के अंदर अगर एक नई बात चहल पहल हो जाती है, लोग वहां से इसको देखने आते हैं, तो कोई अच्छी बात नहीं है ना? बोलो, अच्छी बात है ना? तो मैंने सबको कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं प्लीज जाके अपना काम करें। तो छोटे छोटे काम है, आपको अपने पट्टे दिलवाने का काम है, छोटे काम है, जो आपके लाइसेंस दिलवाने के काम है, वो छोटे मोटे काम यही थोड़ा कर रहे हैं, काम चलेगा भैया बैठ गए आप सब कर दो। मैं आप सबों को ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे को सब लोगों ने कहा कि राजनीति के अंदर ऐसे भाषण नहीं दिए जाते। मैंने कहा कि ये अपना घर है और घर के अंदर अगर एक दूसरे से एक टूक बात अपन नहीं करेंगे और ना बदलाव नहीं आएगा तो कल को आप आके मेरे को कहने वाले अच्छे दिन आ गए जी, प्रॉब्लम हो तो मैं आज मेरे को कहेंगे कि बहुत अच्छे दिन आ गए। मैं सबको कह रहा हूं कि अच्छे दिन आने के लिए हम लोगों को सबको मेहनत